वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज से आपके साथ में मेरा बिजनेस इकोनॉमिक्स का सफर शुरू होता है। तो आज क्लास वन है, फर्स्ट डे है आपके साथ में। तो आज के दिन तो हम पूरी तरीके से अपने आज सिलेबस को समझेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस के साथ साथ में हम अपने स्टडी प्लान को हम डे वन ही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको अपने स्टडी को करना है। क्लियर है बच्चे? और जिससे कि आप आगे अपनी स्टडी को कॉन्टिन्यूसली आप कर पाओ। बच्चे यहाँ पर आप देखें और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट का नाम है बच्चे बिजनेस इकोनॉमिक्स है। अब ये ऐसा रहा सब्जेक्ट आपका फर्स्ट टाइम, ये आपका सेमेस्टर फाइव में आया है। पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं हुआ करता था, पहले प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम का इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट होता था, लेकिन इस बार बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे जिसको प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और आपने अपने एकेडमिक में माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से पढ़ा था, अब ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो ये कैसे अलग है उन माइक्रो इकोनॉमिक्स से? तो बच्चे आप देखेंगे कि पहले अगर मैं बात कहूं कि आज से ठीक 10-12 साल पहले, 12 साल के आपसे पहले न्यू इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें पूछता था। वो गेम थ्योरम पूछता था, वो ओलिगोपोली मार्केट पूछता था, वो किंग डिमांड का पूछता था, वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जाकर के पूछता था, वो मोनोपोली के अंदर पूछता था। वो तो पहले सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट हुआ करता था। तो धीरे धीरे सेमेस्टर वाइज में सिलेबस की कटिंग करते 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 वो एक छोटा सा सिलेबस बन गया था आपका, जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन अब इस बार क्या करा कि वापस वो जो 10 साल पहले जो पूरा वास्ट सिलेबस होता था, इसमें हम गेम थ्योरम भी हम समझेंगे, किंग डिमांड कर्व भी समझेंगे, ओलिगोपोली मार्केट भी समझेंगे, और इसमें अलग अलग हम एप्लीकेशंस भी समझेंगे। तो जो पहले एक वास्ट सिलेबस होता था उन सभी चीजों को इसमें इन्वॉल्व करा और भी चीजें एक्स्ट्रा इसमें ऐड करी, और इसको पूरा का पूरा एक वास्ट इकोनॉमिक्स एक तरीके का बन गया, जिसको हम कहेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। वो क्या क्या है अभी मैं इसमें मार्क करके बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात को जरा समझेंगे कि ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चा, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा कि अगर बच्चे का सबसे ज्यादा अगर कहीं बैक आता है, ईआर आती है, तो वो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। अब वो इकोनॉमिक्स के किसी भी ब्रांच की स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के ब्रांच की स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो माइक्रो पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैक्रो पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा बैक आती है। क्यों? क्योंकि बच्चे इकोनॉमिक्स को समझ लेते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल या फिर कोई हिंदी, वो सब्जेक्ट में ये नहीं कर रहा, वो वीक सब्जेक्ट है। बट उसमें क्या होता है कि लाइक आपका सोशल साइंस, इसमें क्या होता है कि आप आंसर मेकिंग, आपके पास में आइडिया है, थॉट है, तो आप आंसर बना करके लिख सकते हो। और वही गलती बच्चे यहाँ इकोनॉमिक्स में भी करते हैं कि बच्चे को थोड़ा बहुत पता है तो बच्चे उसको बना बना के सोचते हैं, बहुत कुछ लिख देंगे। आप बच्चे इसमें आपको लगता है कि इसमें अगर आप इकोनॉमिक्स में 3 पेज लिख देंगे तो आप 6 मार्क्स मिल जाएंगे, वो काम की लाइनें कितनी की हैं वो देखी जाती हैं। इतना छोटा आंसर भी लिखोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे 15 out of 15, पर टू द पॉइंट और इकोनॉमिक्स की चीजें अगर उसमें डाली हुई हैं आपने, और बना बना के आप 4 पेज भी लिख दोगे तो उसमें आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों को यही गलतफहमी होती है कि हम थोड़ा बहुत पता रहेगा उससे हम बना बना के उसको खींच के हम पूरा पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट कर देंगे और मार्क्स मिल जाएगा, और उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि 100% का पेपर अटेम्प्ट है तो पास तो कर ही देंगे। पता लगता है कि 10-12 नंबर आए हैं, फिर वो सरप्राइज शॉक्ड हो जाते हैं कि यार मैंने पेपर पूरा अटेम्प्ट करा था। वो आप मेकिंग करोगे तो इकोनॉमिक्स से फंसोगे। आपको कॉन्सेप्ट से समझना है, उस कॉन्सेप्ट को ही लिखना है आपको। अदर चीजें आप लिखोगे तो जो सही लिख रखा है वो भी जाएगा आपका, क्योंकि पेपर चेक होता ही इसलिए। इसलिए ड्यू में सबसे ज्यादा बैक इको में लगती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक बार इको में बैक लग गई तो अगली बार तो फिर बैक पे बैक रिपीट ही होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगली बार पेपर आपका अच्छा जाएगा तभी बैक लग जाएगी, बट जनरली इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है कि पेपर चेक ही कुछ ऐसा होता है अगली बार से कि दोबारा बैक पे बैक देते रहते हैं, बच्चा 6 सेमेस्टर के बाद लटक जाता है इकोनॉमिक्स में। आप देख लीजिएगा बहुत सारे ऐसे डेटा है, सबसे ज्यादा बैक आते हैं इकोनॉमिक्स में। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस्ड आपको होना है इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि अब यहां पर आपके अगर बच्चे बैक लग गई तो आप मान के चलिए कि फिर आप तो फंस गए, आपका एक साल कम से कम आपका खराब हो गया। तो इकोनॉमिक्स के बारे में आप अच्छे से आप बिल्कुल अवेयर हो जाएंगे। मैं आपके क्लासेस में पूरा कंटेंट पढ़ाऊंगा, स्टडी प्लान हम ये भी डिस्कस करेंगे कैसे पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे पास में पढ़ने के लिए कंटेंट और सिलेबस क्या है वो देखते हैं। आप देखेंगे बच्चे यहां पर आपके पास में यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें क्या क्या है वो मैं अभी अगले पेज में बताऊंगा। यूनिट 2 आपका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, हम इसको डिटेल में क्या क्या इसके अंदर टॉपिक बात करेंगे। यूनिट 3 हमारा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट।
एंड यूनिट 4। बच्चे आप एक बात ध्यान समझिएगा, आपके मन में आ रहा है कंज्यूमर बिहेवियर, तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब आपके मन में, अभी मैं अंदर की बात करूंगा, ये मैं कहूंगा ये बच्चों को धोखे में रखता है सब्जेक्ट, इसलिए बच्चे बैक में आते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर बैक किसी सब्जेक्ट में आती है तो वो इकोनॉमिक्स में आती है। इसके लिए बच्चे, इसके पीछे दो कारण है। एक तो बच्चा सोचता है कि इकोनॉमिक्स से थियोरेटिकल सब्जेक्ट बना बना के लिख देंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो मार्किंग होती है वो टू द पॉइंट होती है। अगर आप बना बना के मेकिंग करके अगर आप 3 पेज भी कर रहे हैं और टू द पॉइंट आपने नहीं लिखा है तो आपको वहां पर एक नंबर भी नहीं मिलता है। तो ये कोई एसएसटी नहीं है कि आपने 3 पेज का लिख दिया बना बना करके तो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 3 तो मिल ही जाएगा, इसमें 0 मिलेगा। मैथ्स की तरह मार्किंग होती है इसमें। पहला सबसे ज्यादा बैक आने के पीछे कारण ये इसकी मार्किंग। और ध्यान रखिएगा, अगर एक बार बैक आ जाए तो फिर वो बैक पे बैक, बैक पे बैक रिपीट होती है इकोनॉमिक्स के अंदर। पहली चीज यहां वेर होंगे, एंड सेकंड सबसे ज्यादा बैक आने के पीछे सबसे ज्यादा बड़ा कारण है वो ये है कि इंडेक्स देख के ऐसा लगता है, इसका सिलेबस देख के ऐसा लगता है यार इंट्रोडक्शन बिजनेस इकोनॉमिक्स ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर है, पहले तो पढ़ा था हमने कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी इंडिफरेंस का भी वही है। आपको लगेगा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, अच्छा जो पहले पढ़ा था वही है। आपको लगेगा मार्केट स्ट्रक्चर, यार ये तो वही है जो पहले हमने पढ़ा था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, क्लियर है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड एप्लीकेशन, ये आपके लिए आप कहो यार ये नया है बस, बाकी सब कुछ पुराना ही है। नहीं बच्चे ऐसा नहीं है, आओ लेके चलता हूं इसके अंदर क्या नया है। चलिए देखिए, सबसे पहले बच्चे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के, क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, क्यों पढ़ रहे हो आप, क्लियर है। और इसके अंदर आप पढ़ोगे डिमांड एंड सप्लाई, मीनिंग लॉ ऑफ इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट, मूवमेंट शिफ्ट मार्केट, इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम। अब नई चीजें कुछ कुछ ऐड हो जाएंगी, लाइक इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, क्लियर है। और आपका आउटलेट मेथड आपने नहीं पढ़ा था, क्लियर है। आपने बस एक पढ़ा था परसेंटेज मेथड, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कॉन्सेप्ट मेजर, वो सारे मेथड इसमें पढ़ोगे। और इसके साथ भी कुछ चीजें और हैं जिसमें लिखा नहीं है डिटेल में, इसके अंदर थ्योरम्स आएंगे इलास्टिसिटी के, वो थ्योरम्स पढ़ना पड़ेगा आपको। और उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर की बात करूं मैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल मीन्स इंडिफरेंस कर। तो बच्चे अगर आप, मैं बात करता हूं इंडिफरेंस कर में, तो फीचर बजट लाइन एंड कंज्यूमर क्लियरम ठीक है, लेकिन आप जो है एंगल्स कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व एंड डेरिवेशन, डिमांड कर्व डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ प्राइस कंजम्पशन कर्व, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज, ये आपने नहीं पढ़ा इंडिफरेंस कर्व में, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आपने प्राइस कंजम्पशन कर्व आपने नहीं पढ़ा, नॉर्मल एंड इनफीरियर, और तीनों सिचुएशन में नॉर्मल इनफीरियर गिवन गुड्स के केसेस में आपको बताना होगा। इनका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भैया, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, अब इनका बोलबाला हो चुका है, पेपर में आएगा, बहुत अच्छे लेवल का इसका डायग्राम बनता है। एप्लीकेशन इफेक्ट्स ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑन हाउस होल्ड सेविंग, ठीक है ना बच्चे, सब्सिडी वर्सेस एक्साइज सब्सिडी, ये बच्चे ये चीजें इंटरेस्ट रेट हो गया, हाउस होल्ड हो गया, सेविंग हो गया, ये चीजें कहां पढ़ी थी आपने। अब पेपर में जो नई चीज देखने को मिल रहा है ना, सिर्फ पेपर इसी से बनेगा आपका, ये मत सोचिएगा, क्लियर है। एंड देखिएगा, आपको लगता है कि आप देखिए बच्चे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ भी रहा है तो उसमें दो पार्ट पूछ रहा है आपसे। अब एक पार्ट में आपसे एक चीज पूछा, फिर एक चीज में और पूछा, दो चीजें ही पूछ ली, एक पार्ट में आपसे 3 चीजें पूछ ली, तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछ रहा है वो, बेसिकली 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। 15 मार्क्स का अगर आपका है भी तो 5 क्वेश्चन पूछ भी लिया आपका, तो आपका 3 मार्क्स का ही तो हुआ एक क्वेश्चन। आपको लगता है डिमांड में कर दूंगा, तो डिमांड 3 नंबर का ही तो आया, बाकी जो नई चीजें वही 4 आ गई आपकी, तो कहां से पास होंगे आप। तो इसलिए बच्चा फंसता है इकोनॉमिक्स के अंदर, क्लियर है बच्चे। प्रोडक्शन फंक्शन में टीपी एपी एंड एमपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ पे आता क्या पेपर में, आईसो क्वांट प्रॉपर्टी आएगा, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ द रिसोर्सेस आएगा, एक्सपेंशन पाथ, ये कहां पढ़ा था आपने पहले बताओ। तो बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे सबसे ज्यादा बैक क्यों आता है, बच्चा क्या देखता है अपने इंडेक्स में, ये है बस, अंदर देखता ही नहीं है, बोलता है पेपर के एंड में उठाएंगे, लास्ट मंथ में उठाएंगे हम, जब 15-20 दिन रह जाएगा तब उठाएंगे। और जब उठता है तो फिर भैया स्टूडेंट का होश उठ जाता है, देखता है यार ये सब क्या है। अब कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो डिफरेंट कोर्स डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट, डेरिवेशन यहां पर आ रहा है आपका, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कोर्स, लॉन्ग रन कोर्स तो कभी आपने पढ़ा ही नहीं पहले, क्लियर है बच्चे। और इकोनॉमिक एंड डिस इकोनॉमिक स्केल, भैया ये तो पेपर में आएगा, मैं तो आज डे 1 ही बता देता हूं कि पेपर में आएगा, मैं डे 1 ही बता रहा हूं पेपर में, लोग कितने मोस्ट लगाऊं इसमें बताओ, ठीक है बच्चे, ये आपके पास में पेपर में आएगा ही आएगा, बट ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक्स स्केल एंड डिस इकोनॉमिक्स स्केल, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, इन्हीं चीजों को तो पढ़ना है आपको। अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो यहां पर क्या आपके सिलेबस में जो है चीजें ऐड हुई हैं,
तो परफेक्ट कंपटीशन में पहले आता था प्राइस डिटरमिनेशन परफेक्ट कंपटीशन, बट यहां पर इक्विलिब्रियम अंडर द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग डेरिवेशन ऑफ सप्लाई, डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में भी सप्लाई कर्व बनाना है, लॉन्ग रन में भी सप्लाई कर्व बनाना है, डेरिवेशन देना आपको वो बताना है आपको, और इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन आपने पढ़ा क्या था ट्वेल्थ में, प्राइस डिटरमिनेशन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पर वहां तो उसका कोई लेना देना नहीं है, तो कुछ और ही है, नाम डाल दिया मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोली फ्यूचर इक्विलिब्रियम अंडर द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, बच्चे भैया यहां भी पढ़ना पड़ेगा, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व, मोनोपोली में सप्लाई कर्व का एब्सेंस पढ़ना पड़ेगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिग्री कंडीशंस एंड डंपिंग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फीचर प्रोडक्ट डिफरेंशिएट एंड द एक्सेस कैपेसिटी एंड द इक्विलिब्रियम ओलिगोपोली, ये नई चीज ऐड हुई है आपकी, क्लोजिव एंड नॉन क्लोजिव, क्लियर है बच्चे, और किंग डिमांड कर्व ये बहुत पहले हुआ करती थी, पिछले 5-7 साल से सिलेबस हटा रखा था, दोबारा सिलेबस में इसको ले आए, क्लियर है बच्चे, ओपेक एंड सीपेक ये चीजें आपको पहले कभी पढ़ा है आपने, ओपेक सीपेक सब कुछ अलग है या नहीं है, सब कुछ अलग है बच्चे, ध्यान रखना इस चीज का, क्लियर है, तो कंटेम्प्रेरी इश्यू ऑफ एंड एप्लीकेशन, इसमें क्या पढ़ोगे, रेंट कंट्रोल, मिनिमम वेजेस, इंडिविजुअल सप्लाई कर, लेबर, पीक एंड लोड, प्राइसिंग, क्लियर है बच्चे, डिलेमा एंड अ गेम थ्योरम, ये सारी चीजें हटगिरी आई है, ये कहां पढ़ा है आपने बताओ ना, वहां तो आपको पास में आपको ये लगेगा कि भैया ये तो बिल्कुल इंडेक्स देखो क्या था आपका, इस बात को समझिए जरा, इंडेक्स क्या था आपका, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स कंज्यूमर भी, तो इससे लगता है बच्चों को सब कुछ तो वही है जो पहले पढ़ा होता है, लेकिन अंदर जब जाके देखोगे तो सब कुछ आपको नया मिलेगा, तो ये आपका सिलेबस का पार्ट है, और हम इसको कैसे कवर करेंगे उस चीज को हम समझेंगे यहां पर बच्चे, जैसे कि मैं आपको यहां पर एक यूनिट पढ़ाता हूं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक यूनिट पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे मैं उस पर स्टार बनाऊंगा, जैसे मैंने एक वीडियो पढ़ाया, एक चैप्टर खत्म कंप्लीट करवाया मैंने इसको, मान के चलिए कि मैंने इसको 15-20 लेक्चर में इसको कंप्लीट करा यूनिट वन को, तो 15-20 लेक्चर के अंदर ऐसे 5 लेक्चर ऐसे हैं, 5 टॉपिक्स ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आएगा ही आएगा, उसमें मैं स्टार बना दूंगा, कंटेंट कहां से मिलेगा, कंटेंट आपको जो है मैं पढ़ाऊंगा उसी के अंदर आपके पीडीएफ फाइल मिलेगी, जो मैं पढ़ाऊंगा कंटेंट वही मिल जाएगी आपको, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, और आपको उस पर मैं स्टार बना दूंगा, स्टार बनाने के बाद जब मेरा यूनिट का कंप्लीट होगा देन मैं आपका टेस्ट लूंगा, टेस्ट में मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखूंगा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे आएंगे वो, उनमें जो आप नहीं कर पाए मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा, तो ये हमारा स्टडी प्लान रहेगा, लेकिन ये सब पढ़ने का मजेदार बात है जो आप शुरू से पढ़ते हो, आप जो है तोबा लास्ट में मचाओगे तो उसमें भैया मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा बच्चे, मेरी तो क्लासेस जब मैं तो आज से शुरू कर रहा हूँ क्लासेस, आज मैं इंट्रोडक्शन लिया, नेक्स्ट क्लासेस मेरी स्टार्ट हो जाएगी टॉपिक, तो आप जब आएंगे पेपर से 2 दिन पहले आप बोलेंगे सर इतनी जल्दी कैसे करूं, मैं तो बोलूंगा कि भैया मेरे पास तो पूरा वीडियो पड़ा हुआ है आप कर लो, आपके ऊपर है 70 घंटे आप 24 घंटे में देख लो, आप कर सकते हो, शक्ति मानो तो कर लो, तो बच्चे वैसे पढ़ाई नहीं होती है, अगर आप रिस्क लेंगे तो वो आपके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेंगे, वो आपके साथ है, पास होने की गारंटी और पास होने की छोटी तो उन बच्चों की ज्यादा रहती है जो बच्चे के स्टार्टिंग से अपने कोर्स को लेकर के चलते हैं, क्लियर है, तो ये आपका सिलेबस था, कोई डाउट है कोई क्वारी पूछिएगा, सर बिजनेस इकोनॉमिक्स काफी मुश्किल होगी क्या, बिकॉज सिलेबस देख कर तो यही लग रहा है, बच्चे देखिए समझाऊंगा तो समझ 100% आएगा, तो मुश्किल तो है नहीं, लेकिन एट अ टाइम लास्ट मोमेंट पर अगर आप पढ़ने बैठते हो तो भैया मुश्किल ही नहीं, आपके लिए करना नामुमकिन हो जाएगा, तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को आपको बड़े सीरियसली आपको लेना है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट आ गया है आपके पास में जो कि आपका 1 साल स्पॉइल कर सकता है, खराब कर सकता है बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्लियर है, और कोई बच्चे की कोई क्वारी है कोई डाउट है, और आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए एक पर्सनल मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, एक डाउट नंबर जिसमें अगर आप पढ़ रहे हो समझ रहे हो कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, कोई आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि मैं यार ये ऐसा भी तो हो सकता था ये क्यों होता है, तो आप मुझे ऑडियो मैसेज सेंड कर सकते हो, कहीं से नोट्स पढ़ रहे हो उसमें से मार्क कर करके आप मुझे भेज सकते हो, मार्क कर करके आप भेजोगे मुझे मैं उसमें ऑडियो मैसेज के थ्रू आपको रिप्लाई कर दूंगा, तो इस तरीके से आपके पास में डाउट लेने की फैसिलिटीज भी आपको अवेलेबल रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा वीडियो पे आपके मार्क भी किए जाएंगे, और कोई डाउट बच्चे क्लियर है, और ध्यान रखिएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पढ़े हुए थे बट बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक भी लेक्चर पूरे यूट्यूब पे नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये इधर उधर से टॉपिक हो नहीं सकता है,
ठीक है बच्चे, तो आधा अधूरा जो आप मैच कर करके पढ़ोगे पेपर में तो वो आएगा नहीं, पेपर में आएगा वो जो कि नया ऐड हुआ है, तो इसलिए आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इधर उधर से अगर आप दौड़ के सिलेबस कवर करते हो, आपको अपने एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे कि आपको जो कोर्स हमने लॉन्च करा हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, जाइए एक पिज्जा के रेट पे आप कोर्स खरीदिए, चाहे पेपर दिसंबर में हो, चाहे जनवरी में हो, चाहे नवंबर में हो, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक हम आपको इसी फीस में पढ़ाएंगे, एक पिज्जा के रेट पे आपका कोर्स आ रहा है, जिसमें आपको डाउट भी लेंगे, आपको पीडीएफ भी देंगे, वीडियोस भी आप देखने देंगे, कोर्स को आपको आपके टाइम से 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने पहले तक कोर्स को कंप्लीट करके देंगे, फिर टेस्ट रिस्टार्ट करेंगे, बहुत कुछ होगा। तो बच्चे फिर नेक्स्ट क्लासेस से हम इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे। सिलेबस है, अवेयर कर दीजिएगा अपने अपने साथी का, अगर आप शुभ चिंतक है अपने दोस्तों के तो उनको बता दीजिएगा कि भैया ये सब्जेक्ट में फेल हो सकते हो, उसकी अगर चिंता है आपको तो उसको आप अवेयर कर दीजिएगा, बाकी वो जाने और उसकी किस्मत। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लासेस में, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नए क्लासेस पे बिल्कुल नया स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल टाइम पर आपको आना है, टाइम पर मुझको आना है, टाइम पर क्लासेस को हम फिनिश करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो बच्चे आप पूछिए। सॉरी, क्लास टाइमिंग क्या रहेंगी आपकी, जो आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, आपको देखो बैच में आपको टाइम टेबल दिया हुआ है, कंटेंट में स्टार्टिंग में टाइम टेबल दिया हुआ है, MWF 7 to 8 PM ये टाइमिंग है, टाइम टेबल आपके बैचेस में है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।